आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर न्यूरू। आज का वीडियो काफ़ी ही ज़्यादा थंडरिंग होने वाला है, एकदम कड़कता भड़कता होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक बड़े ही ध्यान से समझिएगा। यदि आपने शुरू तक कुछ मिनट तक वीडियो देख लिया और आगे नहीं देखे तो आप कन्फ्यूजन में पड़ सकते हैं, उलझन में पड़ सकते हैं। प्रायः लोगों के अंदर यह सवाल होता है कि मेरी वाइफ का वजाइनल पार्ट काफ़ी ही स्ट्रेच हो गया है बच्चों के जन्म लेने की वजह से, तो अब पहले जैसी हमारी सेक्स लाइफ रही नहीं, अब उतना मजा नहीं आता है। तो यदि आप ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो इस वीडियो को समझना जरूरी है। साथ में कई लोगों के अंदर ये भी कन्फ्यूजन रहता है कि यार जो वर्जिन लड़कियां होती है वो बहुत ही ज़्यादा प्लेजर देती हैं, सेक्सुअल आनंद मिलता है उनके साथ प्ले करने में, तो इस वीडियो को देखने के बाद यह भ्रम भी आपके अंदर से दूर हो जाएगा। तो देखिए, एक चीज समझ लीजिए, मेरी हर वीडियो एक वीडियो से दूसरी वीडियो एसोसिएटेड होती है। यदि पहली की वीडियो आपने देखी है तो इस वीडियो को ज्यादा अच्छी तरीके से आप समझ सकेंगे, क्योंकि आप मेरे आइडियोलॉजी और थॉट्स से थोड़ा बहुत पहले परिचित हैं, इसलिए मेरे पहले का भी वीडियो जरूर देखें। देखिए, जहां तक वजाइना को स्ट्रेच होना और मेल सेक्सुअल प्लेजर से लेना देना है, इसको बड़े ही ध्यान से समझिए। देखिए, जहाँ तक मेल का बात है, पुरुषों का बात है ना, तो मैं बताया हूँ पहले के वीडियो में भी कि पुरुष का जो सेक्सुअल प्लेजर होता है, सेक्स का जो आनंद होता है, अपने पेनिस के अग्रभाग वाले हिस्से से होता है, जहाँ से स्किन थोड़ा पीछे की तरफ हटती है। यदि उस भाग पे घर्षण मिले और दबाव मिले और टाइट यानी एक दबाव भरा स्पर्श मिले तो ज़्यादा पुरुषों को उत्तेजना आता है। तो जिसकी वाइफ की या गर्लफ्रेंड की वजाइना काफ़ी चौड़ी है तो स्वभावतः उस हिस्से पे दबाव, घर्षण और उष्णता, गर्माहट कम मिलेगी, इसलिए पुरुष को लगेगा कि ऐसा हम कर रहे हैं जैसे हवा में तीर मार रहे हैं। हवा में तीर मारना शब्द मैं आपको समझने के लिए यूज किया कि कोई लक्ष्य पे जा नहीं रहा है, यानी कि वो घर्षण नहीं मिल रहा है और सेक्सुअल प्लेजर नहीं फील हो रहा है, और साथ में इसमें प्लेजर वीमेन को भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वीमेन के जेनिटल पार्ट में जो तीन पॉइंट मैंने बताए हैं, पहला वजाइनल लिप्स, दूसरा क्लिट और तीसरा जी स्पॉट, तो इन तीनों पार्ट पे एक दबाव युक्त घर्षण जब वीमेन फील करती हैं तो उसे मजा आता है। तो हस्बैंड के जेनिटल पार्ट यदि यदि वजाइना बड़ा हो गया पहले की तुलना में, तो ऑटोमेटिकली हस्बैंड का जेनिटल पार्ट पेनिस छोटा हो जाएगा, समझिए। तो वीमेन को घर्षण फील होगा, नो डाउट, लेकिन घर्षण में उस तरह की आनंददाई तीव्रता नहीं होगी, लेकिन वीमेन इन सारी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती हैं, लेकिन मेल को इससे डायरेक्ट फर्क पड़ता है। तो यदि आपकी वाइफ की वजाइना बड़ी है तो सेक्सुअल प्लेजर में प्रैक्टिकली यदि देखा जाए तो आनंद स्वाभाविक है कि कम जाएगा, थ्योरेटिकली कहा जाए, प्रैक्टिकली कहा जाए तो। लेकिन अब जरा चलते हैं फैंटेसी की दुनिया में, इसकी एक और रियल पहलू को समझिए। इसीलिए मैं आपको प्रारंभ में ही कहा था कि मेरे वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखना, तो अब समझिए क्या होता है। मैं अपने सेक्सुअल काउंसिलिंग के दौरान या सोशल मीडिया सर्वे के दौरान कई ऐसे यंग लड़कों को देखा जो अपने से मेच्योर वीमेन को लाइक करती हैं, मेच्योर वीमेन को वो पसंद करती हैं और अपना सेक्स पार्टनर के रूप में मेच्योर और मिल्फ वीमेन को देखना चाहती हैं, और इनके अंदर गजब की फैंटेसी होती है कि वजाइना बड़ा होना चाहिए। समझिए ध्यान से, आप या कोई हस्बैंड परेशान है कि मेरी वाइफ के बच्चे हो जाने की वजह से वजाइना स्ट्रेच हो गया है तो पहले जैसा सेक्सुअल प्लेजर में इंटेंसिटी, तीव्रता पूर्वक सेक्सुअल प्लेजर फील नहीं होता है। लेकिन यहां देखिए, जो लड़के हैं, जो यंग लड़के हैं जिनकी फैंटेसी मेच्योर और मिल्फ वीमेन से है, वो यही चाहते हैं कि मेरी फीमेल पार्टनर का वजाइना बड़ा हो, और जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ही ज्यादा इसे आनंद आएगा। आप इस चीज को बड़े ध्यान से समझिए, जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ही ज्यादा इसे आनंद आएगा। तो इसे लिक करने में, इसे सक करने में और वजाइना को स्मेल करने में, देखिए नॉर्मल इंसान जब प्ले करता है ना तो सिर्फ इंटरकोर्स करता है, और उससे थोड़ा आगे कोई इंसान प्ले करता है तो इंटरकोर्स के साथ साथ
सिर्फ उस चीज को लिक भी करना चाहता है, और इससे भी लिक करना का मतलब चाटना चाहता है, अपने जीवा से होठों से स्पर्श करके प्लेजर फील करना चाहता है, और उससे भी ज्यादा बड़ा खिलाड़ी है तो वीमेन के वजाइनल एरिया को अपनी नोज से स्मेल करेगा, सूंघेगा गहरी श्वास तीर करके। तो ऐसे जो लड़के होते हैं ना, बड़ी वजाइना वाली मेच्योर वीमेन को पसंद करते हैं, जिनके अंदर से फ्रेश मांसपेशियां, जिनकी वजाइना के अंदर से फ्रेश ताजी मांसपेशियां उभरी हुई रेडिश टाइप की दिख रही हो, साथ में इन्हें स्मेल करने में भी मजा आता है। यानी कि ऐसे फैंटेसी वाली लड़कों को ना मिल जाए इस तरह की बड़ी वजाइना वाली वीमेन, तो ये लोग इतने एक्साइटेड हो जाते हैं ना बस उसे स्मेल करने के लिए, उसे स्पर्श करने के लिए, उसे लिख करने के लिए, और साथ में प्ले करने में भी वो उतना ही मजा लेते हैं। तो यहाँ देखिए, जिनकी वाइफ मेच्योर हो गई है उनके हस्बैंड बोर फील करते हैं इस वजह से कि हमारी वाइफ का बच्चे होने के बाद वजाइना स्ट्रेच हो गया है, लेकिन इसी वाइफ को यदि लव एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी यंग लड़के से हो जाए जिसका फैंटेसी है कि उसकी वाइफ जो है, जिसका फैंटेसी है कि उसे मेच्योर वीमेन फीमेल पार्टनर बने, वो इसका बहुत ही ज्यादा आनंद लेगा। तो वीमेन सेम है, बस परसेप्शन अलग अलग हो गया है। हस्बैंड के अंदर अलग परसेप्शन है और वही यंग बॉय है उसके अंदर अलग परसेप्शन है। तो समझ गए, पूरा खेल सारा परसेप्शन का खेल है। तो कोई आनंद इंटरकोर्स के ही माध्यम से लेता है, और कोई आनंद इंटरकोर्स से ही तो लेता ही लेता है, और इंटरकोर्स से आनंद आता है बड़ी वजाइना में भी, लेकिन एक फैंटेसी का लेवल इतना अलग होता है ना कि बड़ी वजाइना को देख करके, उसके अंदर की लाल मांसपेशियों को देख करके उसके मुंह में पानी आ जाता है, उसके अंदर एक अलग एक्साइटेशन, एक अलग इरोटिक उत्तेजना फील होता है लड़के के अंदर, और उसे लिक करने में, स्मेल करने में उसे मजा आता है। तो आशा करता हूं मेरी बातों को समझ पाए होंगे अच्छे से कि वीमेन एक ही है, लेकिन सिर्फ मेल पार्टनर में चेंजेस आने से वीमेन के साथ प्ले करने का मजा ही बदल जाता है। हस्बैंड अब बोर फील करता है कि मेरी वाइफ का वजाइनल पार्ट स्टिच हो गया, और उसी वाइफ के साथ कोई और यंग लड़का मिल जाए जिसकी फैंटेसी मेच्योर फीमेल पार्टनर है, उसको कितना ज्यादा भयानक मजा आता है आप नहीं समझ सकते या नहीं कल्पना कर सकते हैं कि एक बड़ी बड़ी वजाइना को, बड़ी योनि को देख करके, क्योंकि उनमें उसे बहुत ही उत्तेजना फील होता है, और उसे अनेकों छोर से, अनेकों पहलू से उसके साथ प्ले करती है, अनेकों तरीके से, पहलू कहना उचित नहीं है, अनेकों तरीके से प्ले करते हैं, उसे स्मेल करते हैं, उसे हाथों से स्पर्श करते हैं, खेलते हैं बड़ी बड़ी मांसल वजाइना को देख करके, उसके होठों को पूरी तरह से वाइब्रेट करता हुआ देख करके, हिलता हुआ देख करके, वजाइना से आवाज निकलता देख करके, यानी बड़ी वजाइना में की जितनी एक्टिविटी होती है वो सारी, बहुत सारी चीजें मैं कह भी नहीं पा रहा हूँ, सारी समझ लीजिए, देख करके जिसका फैंटेसी मेच्योर वीमेन होता है वो लड़के बहुत ही आनंद लेते हैं, और साथ में इंटरकोर्स में भी उसे बहुत आनंद आता है नॉर्मल गर्ल की तुलना में, क्योंकि वो पहले ही इतना फैंटेसी से, अपने दिमाग में फैंटेसाइज करके इतना उत्तेजित हो जाते हैं ना कि जब नॉर्मल प्ले करते हैं तो इतना ज़्यादा आनंददायी होता है, जब वो सेक्स नॉर्मल प्ले नहीं, जब वो सेक्स प्ले करते हैं तो उन्हें ज़्यादा आनंद आता है। आशा करता हूँ मेरी बातों को समझे होंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।